Hello friends, welcome back to my channel Science Tutorial 04. So in this video I am going to begin with the dihybrid and monohybrid cross. सबसे पहले मैं monohybrid cross की बात करूँगी. Monohybrid cross में क्या होता है कि हम लोग एक ही characteristic के parent लेते हैं, parents with same characteristics, same pair of characteristics और simply same characteristics. ठीक, उनका आपस में हम लोग क्या कराते हैं, cross. दो varieties को जब हम लोग cross कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, hybrid. तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ. इट इज़ दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ दी क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स विद सेम कैरेक्टरिस्टिक. सिंपल. अब हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ले लें, अब उसमें पेरेंट्स का हम लोग क्रॉस करा दें. किस तरह से, जैसे हम लोग पहला प्लांट हाइट ले लेते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, दो तरह के हो सकते हैं, तो एक पेरेंट टॉल एक पेरेंट ड्वार्फ. ठीक, टॉल इस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, यानी कि एक पेरेंट टॉल है एंड सेकेंड पेरेंट नेक्स्ट पेरेंट इज ड्वार्फ. अब टॉल इज़ क्रॉस्ड विद ड्वार्फ, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके गैमीट्स अलग करेंगे. अगर यहाँ पे स्मॉल टी होता तो हमें दो गैमीट्स मिलते, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. क्योंकि यहाँ पे एक ही सिमिलर टी है, दोनों सेम ही टी है, तो हमें एक ही गैमीट मिलेगा, टी एंड दिस वन इज टी. ठीक, अब हम लोग जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें एफ वन जनरेशन में टॉल प्लांट मिलेगा. ठीक, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिलेगा. अब हम लोग F2 जनरेशन की जब बात करेंगे तो हमें जो F1 जनरेशन में प्लांट मिला है उसको उसी की ही तरह के प्लांट्स, उसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी. मैं इसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, हमें यहाँ पे ये मिला, अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे. सेल्फिंग हम लोग कैसे करा सकते हैं, प्यूनेट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं और सिंपली हम लोग इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड की तरह से भी कर सकते हैं. तो मैं प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से बताती हूँ. टी टी एंड टी टी. ठीक, वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल. ठीक, अब टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक, इतनी चीज़ें हमें आंसर में मेंशन करनी ही करनी है, पूरा जो मैंने पहले बताया वो उसके नीचे से ये आगे कंटिन्यू होगा. ठीक, अब हमें ये इतनी स्पीशीज़ मिल गई, ये हो गए F2 जनरेशन, सेकेंड फाइलियल जनरेशन. अब क्या करेंगे हम, इसमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो मेंशन करेंगे, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक. सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं. फिनोटिपिक क्या होता है, जो हमें फिजिकली दिख रहा है, यानी कि तीन प्लांट्स हमें टॉल दिख रहे हैं, एक स्मॉल दिख रहा है. ठीक, तो 3:1 हो गया फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो, अब हमें जीन्स के बेसिस पे देखें तो हमें एक टॉल दिख रहा है, प्योर टॉल, एक प्योर स्मॉल दिख रहा है एंड दो जो हैं वो हाइब्रिड टॉल हैं. ठीक, 1:2:1, एक प्योर टॉल एक प्योर स्मॉल एंड दो हाइब्रिड टॉल. ठीक, क्योंकि ये दोनों है टॉल, टॉल तो ये नहीं कहेंगे लेकिन इसके पास ड्वार्फ का भी गैमीट्स हैं. ठीक, तो ये हाइब्रिड टॉल हो गया. तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. F1 जनरेशन की बात कर ली मैंने, अब यहाँ पे F2 जनरेशन की, देन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की. डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा क्या होता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं हम लोग, दो पेयर्स लेते हैं कह सकते हैं, या दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं पेरेंट के एंड उसको क्रॉस कराते हैं. ठीक, दोनों पेरेंट्स के पास दो अलग, एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी. कैसे, लेट मी टेल यू. वेट, लेट मी चेंज दी हेडिंग ऑल्सो ना. डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट लेंगे कैसे, एक प्लांट हाइट ले लेते, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते, एक ही प्लांट हाइट एंड एक फ्लावर कलर ले लेते हैं. ठीक, कोई भी दो ले सकते हैं हम लोग, मैं ये दोनों ले लेती हूँ. ठीक, तो हमें प्लांट हम लोगों ने कौन सा लिया, टॉल है, टॉल एंड रेड कलर्ड प्लांट लिया, इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ एंड वाइट कलर्ड प्लांट. ठीक, रेड एंड टॉल प्लांट को क्रॉस कराया वाइट एंड ड्वार्फ प्लांट से. ठीक, ये एक कैरेक्टर, एक प्लांट हो गया हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो दूसरा प्लांट हो गया, दूसरा पेरेंट हो गया हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टी टी एंड आर आर कैपिटल. यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, प्योर टॉल एंड रेड, प्योर ड्वार्फ एंड वाइट. ठीक, अब
इसमें से गैमीट्स अलग करेंगे तो हमें दो गैमीट्स मिलेंगे, टी और आर, एंड इधर भी यही मिलेंगे ऐसे, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टी टी आर आर, जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी एफ वन जेनरेशन, गैमीट्स अलग कर दिए, उनको साथ लिख दिया, पहली जनरेशन में हमें टॉल एंड रेड प्लांट मिले। अब एफ़ टू जनरेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो फिर से इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराने के बाद जो हमें ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो इस तरह होंगे, उसकी मैं ट्रिक लिख रही हूँ, टी टी आर आर। प्यूनेट स्क्वायर बनाने से पहले हम लोग को कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो हैं जो लिए हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, दिस टी इज़ क्रॉस्ड विद आर, कैपिटल आर से क्रॉस करा देंगे, फिर इसी टी का स्मॉल आर से क्रॉस करा देंगे, फिर छोटे टी का कैपिटल आर से करा देंगे, एंड छोटे टी का स्मॉल आर से करा देंगे, छोटे टी का स्मॉल आर से। ठीक, अब हमें ये जनरेशन मिल गई, अब हम इनको लेंगे, इनको लेकर के इन्हीं से ही क्रॉस कराएंगे, उसका मैं प्यूनेट स्क्वायर बना देती हूँ। टिल देन ये इतनी सी चीज़ आपको समझ लेनी है कि हम लोग जो लेंगे जो फर्स्ट जनरेशन का है उसकी उसी से ही सेल्फिंग करा देंगे, उससे हमने ये गैमीट्स मिले हैं, अब हम लोग इसी की ही सेल्फिंग कराएंगे, यानी कि इसकी सेल्फिंग कराएंगे, टी एस की सेल्फिंग कराएंगे। ठीक, तो ये हमें मिले हैं टी आर, देन टी आर, देन टी आर एंड टी आर। ठीक, सेम चीज़ यही इसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल आर, ये टी आर। ठीक, ये हमारा प्यूनेट बॉक्स हो गया। अब हम लोग इनको कैसे क्रॉस करना है वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ 10th क्लास में भी पढ़ी है, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, टी टी आर आर, ठीक, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, देन टी आर, एक मिनट, दो कैपिटल टी होंगे, टी टी आर आर, टी टी आर आर। अब मैं ये पूरा लिख देती हूँ, टिल देन यू राइट इट बाय योरसेल्फ, बोर्ड से कॉपी करके ना लिखें एंड इसकी खुद से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, दिस पार्ट इज मेल इट्स फीमेल। ठीक, यहाँ मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें से हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो टॉल एंड रेड हैं, कौन से ड्वार्फ एंड रेड हैं, कौन से ड्वार्फ एंड वाइट हैं, कौन से टॉल एंड वाइट हैं, ठीक, वो देखेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं हमारे पास, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम लोग जब देखेंगे तो इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ तो हमें मिलेंगी नहीं, तो उनके बेसिस में हमें पता चलेगा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, ओके, तो अब मैं बात करूंगी टॉल एंड रेड की, पहले बात करूंगी टॉल एंड रेड प्लांट, देन टॉल एंड वाइट प्लांट, ड्वार्फ एंड रेड प्लांट, देन ड्वार्फ एंड वाइट प्लांट। ठीक, अब टॉल एंड रेड हमें किस किस में जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे टॉल एंड रेड के लिए हमें कैपिटल टी और कैपिटल आर चाहिए, चारों में देखेंगे हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल आर डोमिनेंट चाहिए क्योंकि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक। अब टॉल एंड वाइट में हमें चाहिए कि कैपिटल टी हो और छोटा आर हो, ड्वार्फ एंड रेड में चाहिए छोटा टी हो बड़ा आर हो, एंड ड्वार्फ एंड वाइट में चाहिए कि छोटा टी छोटा आर। कैसे पता चला, क्योंकि ये कैपिटल टी होता है, ये स्मॉल टी होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स वेरी सिंपल, बस एक बार आपको समझना है। ठीक, देन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैपिटल डी और कैपिटल आर का केस हमें ये दिस 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 एंड दिस, दीज नाइन आर टॉल एंड रेड। ठीक, तो नाइन हमें यहाँ पे मिल गए, टॉल एंड वाइट के लिए हमें कैपिटल टी और स्मॉल आर चाहिए, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल आर यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है एंड यहाँ मिल रहा है, वी गेट हेयर थ्री। ठीक, तीन मिले केवल हमें, तीन ही ऑफ स्प्रिंग्स मिले जिनके कैपिटल टी एंड स्मॉल आर, ऐसे टॉल एंड वाइट मेरे स्पीशीज मिले, देन ड्वार्फ एंड रेड, ड्वार्फ एंड रेड के लिए क्या स्मॉल टी और कैपिटल आर चाहिए, वन टू थ्री। ठीक, यहाँ पे भी थ्री मिले, एंड ड्वार्फ एंड वाइट के लिए जस्ट दिस वन, तो इसका रेशियो जो होगा फिनोटिपिक रेशियो जो होगा इसका 9:3:3:1 होगा, एंड जीनोटिपिक रेशियो की जब हम बात करेंगे, ये फिनोटिपिक रेशियो निकला 9:3:3:1, जब इसकी जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो 1:2:2:4:1:2:2:1:2:2:1। ठीक, 1 2 1 2 1,
इसका वेट मैं वो भी लिख देती हूँ, वैसे वो पूछा नहीं जाता, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, सो दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. मैंने फिनोटिपिक लिख दिया, मैं यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो लिखती हूँ, 1:2:2:4, 1:2:1:2:1. ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें जीनोटिपिक रेशियो भी इसका क्लियर हो गया. जब इसी चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो यू विल सिंपली गेट दिस रेशियो. ये आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा खुद से, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मेनी थिंग्स हेयर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैंने डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीटली शेयर कर दिया है आपके साथ. अब इसके बाद मैं इन पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, देन ओनली आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. All right, so that's all for this video. If the video helped you out, then please hit like button to this video, visit to the previous videos before watching this video, then subscribe my channel, press the bell icon and share my videos to your friends and your dear ones. Thanks for watching. Bye bye guys.